हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो बहुत लोगों को आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, पर नहीं, ये रिलेटिवली आसान टॉपिक है। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है, ठीक है, और वो भी यूनिफॉर्म हो रहा है। एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म दे दी जाती है, तो हमको सिर्फ 1D मोशन के सारे इक्वेशन से v = u + c को सिर्फ उसको यूज़ करना होता है, बाकी कुछ इतना है नहीं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं पहला केस कि हमारे पास ये बीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, जो कि मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम करते हैं कि अल्फा एंगल पे यू वेलोसिटी का प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए इसको ही वाई मान लेता हूँ, इसको ही एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो चलिए, अभी इसको हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, तो इस बार जो आ जाएगा u cos alpha आ जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा u sin alpha, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक्सेलरेशन इन ये डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे थे जब, तो को पता था कि वाई डायरेक्शन में जी था और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था। पर इस बार हम क्या करेंगे, इस बार होगा, कैसे होगा, देखो, अगर मैं जी बनाऊँ, ठीक है, मैं जी बनाऊँ, जी ऐसे ऑब्वियसली नीचे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो ये इसके साथ मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, तो 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, 90 - बीटा हो जाएगा, सिंपल। और इस डायरेक्शन में अगर मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए था कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा। तो फिर अगर हम जी के भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में कितने आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, जी कॉस बीटा, और ये डायरेक्शन में आ जाएगा जी साइन बीटा, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये वेक्टर्स को उठा के, ये जो वेक्टर्स है उनको उठा के इधर लिख लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा ईजी पड़े। तो देखिए, इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा जी साइन बीटा, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा जी कॉस बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, ये तो हमारा आ गया, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, उसके ऑपोजिट, मतलब ये एक्स डायरेक्शन की स्पीड भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है ना। और वाई डायरेक्शन की तो आपको पता ही है कि वाई डायरेक्शन का कैसा होता है, ठीक है, जो वन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें वैसा ही वाई डायरेक्शन का पाथ फॉलो होगा, ठीक है। तो चलिए, अभी इसके लिए देखो, इसमें थोड़ी फॉर्मूला थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स जरूर लगे, क्योंकि इसमें एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है पर ग्राउंड टू ग्राउंड में नहीं था, इसलिए उसकी फॉर्मूला थोड़ी सिंपलर थी। पर चलिए, मैंने इसे पहले से लिख के रखा है, वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी, हम सेम चीज़ करने वाले हैं इधर भी, आपने मेरा पिछले वीडियो देखा हो तो हमने भी उधर भी सेम चीज़ की थी। देखो, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है यू साइन अल्फा, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है यू साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन है माइनस जी कॉस बीटा, क्योंकि इसको ऑपोजिट है। और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इसका जो पाथ होगा ऐसे कुछ आएगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल थीटा होगा, अल्फा नहीं होगा, ये ध्यान रखेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की स्पीड भी कम हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि पहले इधर से स्टार्ट किया, 1 पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर वापस 2 पॉइंट पे आ गया, तो एक्स डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पर वाई डायरेक्शन में जो था वो वापस घट के जीरो हो जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ये। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू कॉस अल्फा एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन रेंज है वो हमको पता नहीं, निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिख देंगे, ये वाला sy = uyt + ½at2। तो sy तो है जीरो हमारा, ठीक है, sy जीरो है, ये है u sin अल्फा इंटू, दोस्तों एक में स्टेप है इधर, ये है t आएगा और इधर आएगा t2। तो t2 हम कॉमन लेंगे तो एक t से एक t कट जाएगा, क्योंकि पावर डबल है। तो दोस्तों इवेंचुअली हमारा क्या बचेगा कि ये t नहीं बचेगा और ये पावर नहीं बचेगी। तो t का हमारा फॉर्मूला आ गया है कितना, u sin अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ठीक है। अभी देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या आ रहा था, 2u sin alpha / g आ रहा था। क्यों g आ रहा था, क्योंकि एक्सेलरेशन g था वाई डायरेक्शन में, पर इस बार हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है g cos beta, इसलिए मैंने ये सब लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। टाइम ऑफ फ्लाइट का एकदम इजी फॉर्मूला आ गया हमारे पास। फिर हम लिखेंगे रेंज, रेंज फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन = uxt + ½ ax2, ठीक है। तो मैं
एस एक्स तो कितना हो गया, रेंज हो गया, ठीक है, एस एक्स रेंज हो गया। फिर ये दोस्तों, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्स डायरेक्शन, और ये है दोस्तों मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इधर चिपका दिया है, ठीक है। फिर ये एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, माइनस जी साइन अल्फ़ा, और ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, 2u साइन अल्फ़ा बाय जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलिए तो अगर आपको ये सॉल्व करेंगे, आप ये चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो इधर आपका बनेगा ये यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ये बनेगा साइन टू अल्फ़ा कॉस बीटा। आपको दिख रहा है साइन टू अल्फ़ा कैसे, ये कॉस अल्फा और साइन अल्फ़ा, और ये टू भी है, तो टू यू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फा, टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से साइन टू अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी इधर देखो, बनेगा ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा साइन बीटा के साथ। तो अगर आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टू साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन बीटा। सॉरी देखो, इसमें एक स्टेप है जो इधर जो मैंने इधर बुला दिया है। देखो आपको पता है, आपको थोड़ी बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री आती हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू अल्फ़ा, ठीक है। टू साइन स्क्वायर बीट अल्फ़ा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू अल्फ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला होती है। अगर को नहीं आता तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसा हो गया, अभी मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये दोस्तों ये साइन प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा, इसके साथ साइन बीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, अभी तक तो कुछ इतना हमने एज इट इज़ नहीं किया, सिर्फ फार्मूला पुट के हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को, ठीक है। अभी दोस्तों देखो, आपको ये फार्मूला आ गई कि साइन टू अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस टू अल्फ़ा, उसका मतलब क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, हम क्या फार्मूला लगा लेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम ईजीली लगा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये माइनस साइन बीटा मैंने एज इट इज़ इधर ले लिया, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे रेंज की फॉर्मूला आ गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप उसको इसमें तो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई है तो आप डायरेक्टली इधर से ही कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आसान पड़ता है, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकाले, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला तो आ गया, पर दोस्तों पूछ लेते हैं मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैक्सिमम होने के लिए क्या होती है, साइन में साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, 90 डिग्रीज पे आती है। तो हमको पता है कि 2 अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो इधर से मेरा बीटा या तो अल्फ़ा बोल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, 90 बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, यानी कि जो अल्फ़ा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 45 माइनस बीटा बाय, ये मेरा अल्फ़ा होना चाहिए। अगर मेरे को मैक्सिमम रेंज आनी है तो मेरा 45 माइनस बीटा बाई 2 होना चाहिए, क्या अल्फ़ा, समझ में आ गया सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम इसको अल्फ़ा को हम पुट कर देंगे किस में, ये चीज़ में, ठीक है। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो देखना क्या आएगा, तो फिर से लिख रहा हूँ, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर्ड बाई जी कॉस स्क्वायर्ड बीटा, बीटा था कि अल्फ़ा था, नहीं नहीं बीटा ही था, ये कितना आ जाएगा, फिर साइन टू अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो गया, 90 हो गया, माइनस साइन बीटा। तो ये दोस्तों ये चीज़ कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन बीटा। पर दोस्तों हमको एक और प्रॉब्लम है कि नीचे देखो, ये साइन 1 माइनस साइन बीटा है, और माइनस और कॉस स्क्वायर बीटा भी है, तो हमको थोड़ा और भी आसान फॉर्मूला चाहिए। तो कॉस स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हमेशा कोई भी एंगल के लिए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 1 माइनस साइन बीटा और 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और हमारा रेंज मैक्सिमम रेंज का एकदम सुंदर सा फॉर्मूला आ गया है, जो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस 1 प्लस साइन बीटा, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। आपको ये हर हालत में ये क्या रखना है, याद करना, क्योंकि इतना सिंपल फॉर्मूला तो हम ऑब्वियसली याद रख ही सकते हैं, ठीक है। और आपको ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आपको कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर आपको रेंज ऐसे, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप इससे ईजिली यू कॉस अल्फा से ईजिली आप इससे सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। पर आपको अगर वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है तो आपको अब ये चीज़ चाहे तो याद रख सकते हैं। ये बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि रेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैक्सिमम रेंज उससे ज़्यादा कहीं गुना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसको आप याद रख सकते हैं। फिर आपको एक मिनट, ये क्या हो गया,
आपको फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें याद रखने जैसे कुछ है नहीं, क्योंकि 2 sin α/g cos β एकदम ऐसे ईजिली याद हो जाता है। तो ये था इंक्लाइन प्लेन का पहला केस। अभी हम दूसरा केस की बात करते हैं, हम सेकेंड केस। तो उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे डालेंगे, ठीक है ना। हम क्या डालेंगे, एक मिनट, हम क्या करेंगे, ऊपर से हम नीचे फेंक रहे हैं इस बार, ठीक है। इसको मान लेते हैं बीटा एज इट इज। अभी देखो ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम अल्फा एंगल से फिर से ऊपर फेंक रहे हैं तो इसके भी कॉम्पोनेंट करेंगे इस बार। तो अगर हम इसका कॉम्पोनेंट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यू साइन, एक मिनट, ये क्या आ जाएगा, यू साइन अल्फा, और ये क्या आ जाएगा हमारा, यू कॉस, ठीक है। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेशन कैसी होती है, ये होती है ऐसे ये होती है जी साइन बीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कितना होता है, जी कॉस बीटा, ठीक है। हमने पिछले ही निकाला, ठीक है, हमने इधर ही निकाला था। देखो आप भूल के इतनी जल्दी, ये देखो निकाला था ना, तो मैंने सिर्फ इसके वेक्टर्स थोड़े आगे पीछे शिफ्ट कर दिए। वेक्टर्स को हम जितना चाहे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार हमको क्या दिख रहा है कि ये अभी ये जो है कि जो जी साइन बीटा बैठा है इधर, वो इसकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, ठीक है, ठीक है, बढ़ा रहा होगा। और एक चीज़ इधर मैं कहना भूल गया आपको कि दोस्तों जब ये लैंड करेगा तब हमको कुछ पूछ लिया जाता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। जब ये लैंड करेगा तो देखना क्या होगा, इसके भी 2 components होंगे ऐसे ऐसे, पर ये जो कॉम्पोनेंट होगा वाई डायरेक्शन का, वो फिर से यू साइन अल्फा ही बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, आप खुद सोचो, ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या हो रहा था, यू साइन अल्फा था और एक्सेलरेशन जी था, तो क्या आ रहा था, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे भी वाई डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट सेम ही आ रहा था, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन के में सिमेट्रिक है, ठीक है। पर जो ये कॉम्पोनेंट होगा दोस्तों, ये जो यू एक्स होगा वो अलग होगा, ठीक है, ये जो यू एक्स होगा ये अलग होगा। वाई डायरेक्शन में क्यों सेम होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कम हो रहा है फिर वापस बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी कॉस बीटा, इसलिए ऑब्वियसली सेम होगा। पर ये क्यों सेम नहीं होगा, यू एक्स कितना होगा, इधर लिख देता हूँ, यू एक्स होगा इसको वी एक्स मान लेते हैं, क्योंकि फिर यू एक्स हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये मान लेते हैं वी एक्स मान लेते। तो वी एक्स क्या होगा, बहुत ईजी है, एक ही फॉर्मूला हमारे पास वी एक्स निकालने के लिए, यू एक्स माइन प्लस ई एक्स टी, सिंपल। तो यू एक्स कितना है, यू कॉस अल्फा माइनस जी कॉस जी साइन बीटा इंटू क्या आ जाएगा, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डाल देंगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा वी एक्स का, ठीक है। पर दोस्तों अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्यों सेम होगा, तो हम लिख देते हैं वाई डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्यों सेम नहीं होगा। तो वी वाई क्या होता है दोस्तों, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम पीरियड। तो यू वाई क्या है दोस्तों, इधर लिख देता हूँ, ये है यू साइन अल्फा माइनस ए वाई था माइनस जी कॉस बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस बीटा। समझ में आ गया सबको, अभी तो क्या देख रहा है आप, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस यू साइन अल्फा वी वाई, ठीक है। माइनस आ गया मतलब उल्टी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली देखो मैंने ये ऐसे था, पहले ऊपर था फिर मैंने इसको नीचे बना दिया है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो चलिए ये हो गया, अभी हम फटाफट सेकेंड केस करते हैं। चलिए ये हमारा सेकेंड केस है, तो हम फिर से वो टेबल बना देंगे, ठीक है ना, फिर से वो टेबल हम बना देंगे इधर। तो देखना y डायरेक्शन में क्या है और x डायरेक्शन में क्या, हम फटाफट लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन यू वाई है प्लस u साइन अल्फा, और यू एक्स से अगर हम इसको फिर से अगर हम अज्यूम करें कि ये है दोस्तों y डायरेक्शन और ये है x डायरेक्शन, हम ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये y है ये x है, तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव बाद में इवेंचुअली कट जाएगा, ठीक है। तो वैसे मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, तो यू एक्स क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा यू एक्स है वो क्या हो जाएगा, प्लस यू कॉस अल्फा, ठीक है। फिर ए एक्स है वो इस बार कितना होगा, प्लस जी साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पर ए वाई तो हमेशा की तरह कितना रहेगा, माइनस जी
कॉस बीटा, और एस वाई हमेशा की तरह इस बार भी खींचता होगा जीरो, क्योंकि वो इधर ही लैंड करेगा ना, ऐसे देखो इधर ही ऐसे लैंड करेगा, तो वाई डैश में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, ठीक है। चलिए, और जो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन है वो हमको इवेंचुअली इधर भी पता नहीं है। तो चलिए फिर देखो, ये क्वांटिटी सब सेम है, तो इधर से हमने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो वो पिछले किसकी तरह आएगा, वो कितना आएगा, 2u sin alpha / g cos beta, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं वैसे, क्योंकि वो हर बार यही फॉर्म में आएगा, ठीक है। चलिए अभी हम जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रेंज निकालना। तो रेंज क्या हो जाएगा इस बार, क्या होगा, यू कॉस अल्फा इंटू टाइम पीरियड प्लस हाफ, और इस बार प्लस होगा जी, सॉरी ये होगा प्लस जी साइन बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। इस बार मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इस बार इसकी स्पीड बढ़ा रहा है इसके डायरेक्शन में, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, उस बार यू ऐसे था और जी ऐसे था, ठीक है, इसलिए ये प्लस आएगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। चलिए फिर अगर आप इसमें पुट कर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, यू कॉस अल्फा इंटू 2u sin alpha / g cos alpha जी कॉस बीटा सॉरी प्लस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2u sin alpha / g cos beta का होल स्क्वायर, ठीक है। पता है, मुझे पता है कि आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, पर आप इसको सेम तरीके से पिछली बार सॉल्व करेंगे, ठीक है, पिछली बार आप सॉल्व करेंगे सेम तरीके से, तो रेंज का फॉर्मूला इस बार भी क्या निकल के आएगा, u² / g cos² beta, ये मैंने पहले किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ताकि आपको टाइम बचे वीडियो में, ठीक है, बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा 2α - β + sin β, देख रहे हैं इस बार पिछली बार क्या था, एक पिछली बार क्या हुआ था कि इस बार इधर प्लस था और इधर माइनस था, ठीक है, पर इस बार क्या होगा, ऑपोजिट हो गया, ठीक है। आप ऐसे इसको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अभी इसको फिर से मैक्सिमाइज़ करना है, तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि वही वेरिएबल है, ये तो साइन बीटा तो कॉन्स्टेंट है, क्यों साइन बीटा क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल बदलता नहीं है। देखिए आ जाएगा 2α - β इज इक्वल टू, हम 90 रख देंगे तो अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, 45 + β/2। ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि अल्फा कितना होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इस किस में कितना होगा 45 + β/2, और ऊपर वाले किस में कितना आ रहा था 45 - β/2, ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो फिर से हम इसमें पुट कर देंगे, देखना क्या बनेगा, r इज इक्वल टू u² / g cos² beta, ठीक है। फिर ये sin 2α - β तो हमने 90 कर रखा है, तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस हमारे पास ये है साइन बीटा। तो फिर से सेम चीज़, हमको ये कॉस स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, थोड़ा सिंपलर फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 - sin² beta, समझ रहे आप लोग। अभी देखो, अभी इसको सिंपली एक्सपांड कर देंगे वो 8th क्लास वाला आइडेंटिटी से, ठीक है, a - b × a + b। चलिए तो ये और ये कैंसिल हो गया, इस बार ये और ये प्लस वाला कंपोनेंट कैंसिल हुआ, 1 + sin β, पिछली बार दूसरा कैंसिल हुआ था। तो रेंज, ये रेंज मैक्सिमम, ध्यान रखना ये नॉर्मल रेंज नहीं, ये है रेंज मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा, u² / g 1 - sin β। देखो इस बार भी आगे एकदम सिंपल फॉर्मूला, तो ये आपको हर हालत में याद रखना है, क्योंकि आप एग्जाम में बहुत टाइम सेव करेगा ये, ठीक है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, एक सैम्पल क्वेश्चन बता देता हूँ, फटाफट से हो जाएगा क्वेश्चन देखो कैसा आता है। इसका एंगल है, प्लेन का एंगल इस बार अल्फा दिया हुआ है, और इसका एंगल थीटा दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी नॉट से हमने प्रोजेक्ट कर दिया है। अब हमने पाया कि ये महाशय इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लैंड कर रहे हैं, तो बताओ हमको क्या फाइंड करना है, एट वॉट एंगल शुड द बॉल बी प्रोजेक्टेड, ये थीटा कितना है, हमको बेसिकली थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं,
थीटा कैसे मिलेगा हमको। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इसको खुद ट्रैक कीजिए। तो चलिए, अभी मेरे को कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि पहले ये था वी नॉट कॉस थीटा और ये था कितना वी नॉट साइन थीटा। पर बाद में दोस्तों क्या हो रहा है, बाद में दोस्तों ऐसा हो रहा है, ठीक है, बाद में दोस्तों क्या हो रहा है कि ये कॉम्पोनेंट ही बच रहा है, मतलब यू जो वी एक्स था दोस्तों ज़ीरो हो गया। समझ रहे हैं आप लोग कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। और एज इट इज़ मैं बोला था कि हमेशा ये कॉम्पोनेंट भी कितना रहेगा, वी नॉट साइन थीटा ही रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ रहे हैं आप लोग, ये कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होगा, उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अभी इसमें हमको क्या दिख रहा है, पहले आप इसको आई होप कि आप पहले इसको आप खुद ट्राई कर रहे हैं। तो देखो, यू वाई कितना था, यू वाई था प्लस वी नॉट साइन थीटा, फिर ए वाई एज इट इज़ हमारा अभी अभी डिराइव किया था ऊपर जो थियरी लिखी उसमें कितना था, माइनस जी कॉस बीटा, और एस वाई है ज़ीरो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा, टू वी नॉट साइन थीटा बाय जी कॉस बीटा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक चीज़ के वी वाई आप करके देखिएगा, जो हम पिछली बार किया था, वी वाई कितना हो जाएगा माइनस यू वाई, ठीक है, इसकी डायरेक्शन से पलट जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन से पलट जाएगी। देखो उसका कोई काम नहीं है, पर देखो अभी यू एक्स कितना है, प्लस वी कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा, और वी एक्स था जी वी एक्स कितना हो गया ज़ीरो, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन करें मतलब एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट ज़ीरो हो गया है। चलिए फिर ए एक्स हमारा कितना है, माइनस जी साइन बीटा। तो अभी दोस्तों ये तीन है, हमारे पास टाइम भी है, तो हम ये इक्वेशन ज़रूर लगा सकते हैं थीटा फाइंड करने के लिए, कौन सा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम पीरियड। तो ये दोस्तों है ज़ीरो, ये है प्लस यू कॉस, सॉरी इस बार वी नॉट है ना, प्लस वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी दोस्तों ये सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये है एंगल बीटा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फ़ा दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन का, तो इसमें सिर्फ हम जो बीटा लिख रहे थे उसकी जगह सिर्फ अल्फ़ा कर देना आप लोग, ठीक है, आई होप कि उतना आप समझ जाओगे। और इस जगह पे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, वी नॉट कॉस थीटा माइनस जी कॉस, सॉरी हर बार कॉस लिख देता हूँ, ये हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा इंटू टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड कितना है, टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा, टू वी नॉट साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फ़ा। तो ये जी जी ये हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए, तो अभी हमको टाइम पीरियड, तो अभी हमको क्या मिल रहा है देखना, ये वी नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, तो अभी हमको मिल जाएगा इधर से, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, हम इसको सिर्फ इस साइड ले गए हैं उसकी साइड कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ला देंगे, ये इधर टू भी बचेगा हमारे पास, ये टू है इधर, ठीक है। तो अभी हमको सिर्फ कॉस थीटा को डिवाइड में ला देंगे, तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, टू टेन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू वन, ठीक है। अभी तो देखो ये हमारा निकल ही गया ऑलमोस्ट, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, हमको थीटा फाइंड करना है ना, थीटा नॉट जो भी हो, नहीं थीटा फाइंड करना है, वो कितना हो जाएगा, वन बाय टू कॉट अल्फा हो जाएगा, सिर्फ टेन अल्फा उससे जाएगा। तो थीटा हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, थीटा हमारा आ रहा है टैन इनवर्स ऑफ हाफ कॉट अल्फा, एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आँख बंद करके थीटा क्या लिख देना, टैन इनवर्स ऑफ हाफ कॉट अल्फा, कॉट अल्फा क्या होना चाहिए, ये प्लेन का एंगल होना चाहिए, ठीक है ना, प्लेन का एंगल है वो हमारा क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया, इसमें कुछ नहीं है इंक्लाइन प्लेन के प्रोजेक्शन में, आपको सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में वन डी मोशन की सिंपल इक्वेशन लगानी है, ठीक है, और आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चलिए बाय बाय।